Book in quotes explain Hindi. The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth in what seems to be an instant. हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह एक पल में भी अपार धन पैदा कर सकता है। यह हमारी सोच, विचार और रचनात्मकता का स्रोत है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक और उत्पादक तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। दिमाग को प्रशिक्षित करने के कुछ तरीके हैं। नई चीजें सीखें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतने ही अधिक अवसर आपके पास धन बनाने के लिए होंगे। रचनात्मक बनें। बॉक्स के बाहर सोचने और नए विचारों के साथ आने से न डरें। लक्ष्य निर्धारित करें और कार्यवाही करें। केवल सफलता के बारे में सपने देखें नहीं, एक योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। दृढ़ रहें। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपने सपनों को न छोड़े। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हम सभी में धन बनाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है। अगर हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो हम अपने मन में ठान लें। If you realize that you are the problem, then you can change yourself, learn something and grow wiser. Don't blame other people for your problems, X. अगर आप समझते हैं कि आप ही समस्या हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं। दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोष न दें। यह उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो हम उन्हें हल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। हम अपनी सोच और व्यवहार को बदल सकते हैं। हम नई चीजें सीख सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस उद्धरण का मूल विचार यह है कि जब हम अपनी समस्याओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो हम सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। Workers work hard enough to not be fired, and owners pay just enough so that workers won't quit. कामगार तब तक कड़ी मेहनत करते हैं जब तक उन्हें नौकरी से न निकाला जाए, और मालिक तब तक कामगारों को इतना ही भुगतान करते हैं कि वे नौकरी नहीं छोड़े। यह उद्धरण इस विचार को व्यक्त करता है कि श्रमिकों और मालिकों के बीच एक शक्ति असंतुलन है। श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने का डर होता है, इसलिए वे अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मालिकों को कर्मचारियों को खोने का डर नहीं है, इसलिए वे केवल इतना ही भुगतान करते हैं कि कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़े। यह भी सीख मिलती है कि जब हम एक नौकरी में होते हैं, तो हमें अपनी मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी योग्यता के लिए उचित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें अपने कौशल और अनुभवों को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपनी अगली नौकरी में अधिक वेतन प्राप्त कर सकें। I hope this helps. And thanks to watch video.